दोस्तों इंजीनियरिंग इज नॉट सिंपली बाई डिग्री इट इज बाई प्रोफेशन एंड नॉलेज और अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो इंजीनियरिंग सर्विसेज इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो क्लास वन गवर्नमेंट जॉब ऑफर करते हैं दे ऑल टेक द रिक्रूटमेंट थ्रू द इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन सिलेक्शन लाना आसान हो सकता है लेकिन टॉप लैंकर लाना बिल्कुल आसान नहीं है इट टेक्स कमिटमेंट इट टेक्स हार्डवर्क एंड इट रिक्वायर्स योर डेडिकेशन तो आज हमारे साथ हैं प्रवीण कुमार इस सफर कामयाबी में टॉपर्स टॉक में प्रवीण कुमार आपका हार्दिक स्वागत थैंक यू एंड प्रवीण ने इंजीनियरिंग सर्विसेज 2018 में ऑल इंडिया रैंक थ्री अचीव की है और गेट में इन्होंने गेट 2018 में ऑल इंडिया रैंक फाइव तो गेट और आई दोनों एग्जाम में टॉप फाइव में रैंक लाना अपने आप में रिमार्केबल है इसका मतलब है कि इनकी प्रिपरेशन कंसिस्टेंट है और इन्होंने ये प्रिपरेशन स्वयं की है इन्होंने बीटेक के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट की और इन्होंने स्वयं प्रिपरेशन की और उस प्रिपरेशन के दौरान इन्होंने मेडी जी की टेस्ट सीरीज प्रिलिम्स के लिए फिर मेडी जी की टेस्ट सीरीज मेंस के लिए और फिर मेडी जी का इंटरव्यू प्रोग्राम ज्वाइन किया और साथ में मेडी जी की बुक्स को फॉलो किया तो प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए पढ़ाई का तरीका और पढ़ाई का सोर्स अच्छा होना चाहिए और उसको आप स्वयं भी कर सकते हैं या कोचिंग के साथ भी कर सकते हैं तो प्रवीण आई वुड लाइक टू नो योर एक्सपीरियंस क्योंकि आप बिहार से आते हैं hmm. चकई जो बहुत एक छोटा सा टाउन है या छोटा सा छोटी जगह है वहाँ से आकर के और आईआईटी में आना फिर अपने आप में इंजीनियरिंग सर्विसेज में आना एक रिमार्केबल है सो वी वुड लाइक टू नो योर स्ट्रैटेजी प्लानिंग एंड योर सक्सेस स्ट्रैटेजी फ्रॉम यू यस सर सो फर्स्ट आई

और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरे अच्छे से hmm. मैंने कम से कम तीन बार तो सारे अच्छी तरीके से अच्छे तरीके से लगाए और uh, मेरा प्रिलिम्स में आई थिंक आई हैव सर तो एक्चुअली मैंने वन थिंग आई थिंक मैंने बहुत अच्छा किया प्रीलिम्स में कि मैं शॉर्ट नोट्स बनाता था hmm. वो रियली really वन ऑफ़ द बेस्ट होगा मुझे लगता है क्योंकि जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आप कैलकुलेट करोगे तो आपको एक मुझे कर लिया हो, एक सेकंड मुझे आंसर रिकोगनाइज करने में और पाँच छे सेकेंड उसे में तो पॉइंट ये होता है कि आप जब भी मेन्स का भी करते हो तो कोई एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिखता है यदि आपको लगता है कि वो आ सकते हैं में हुँ. तो उसके आंसर्स याद कर लो ठीक है इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा रहेगा यसर yes, एक्यूरेसी भी रहेगी और सबसे बड़ी बात तो टाइम सेव कर लो टाइम सेव कर इनफैक्ट पांच छह क्वेश्चन में ऐसे हुए जो कि आपको बहुत टाइम टेकिंग था और वो मैं इजीली रिकॉग्नाइज कर लिया आंसर क्योंकि मुझे याद थे आंसर और अच्छे अच्छे फॉर्मूले मतलब मैं शायद दिखा सकता हूँ अपने ब्लॉग में अपलोड कर सकता हूँ अपना शॉर्ट नोट्स आप वो देख सकते हैं क्योंकि रियली really वो बहुत अच्छा है नहीं आप अगर अपलोड करेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को फ़ायदा मिलेगा और वो आप ये नोट्स को फॉलो करके और उसको आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि प्रीलिम्स में आई थिंक सर 150 क्वेश्चंस होते हैं और आप कितना ज्यादा अटेम्प्ट करते हो जैसे मैंने 130 किया था और इस बार स्पेशली क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटिव थे मतलब एक न्यूमेरिकल नेचर थे बहुत ज्यादा थे फ्लूइड में कम से कम 34 क्वेश्चंस टाइम सवाल थे बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग थे तो उस चीज को मैंने सेव किया मैंने ध्यान रखा कि भाई फ्लूइड में एरिया देते हो, तो आप नहीं कर सकते हो तो का मैं देखता था, कि ये टेकिंग है, उसे मैं छोड़ देता था। और, सवाल और जो मुझे अच्छे से आते हैं जो मुझे याद है तो एग्जामिनेशन मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसकी रिहर्सल और प्रैक्टिस अगर आप पहले से कर लें कि जैसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है उनके आंसर याद कर और बाई चांस अगर वो पूछ लिए गए एक्यूरेसी भी और टाइम भी दोनों सेव हो गया Right. फिर प्रीलिम्स के बाद जब आप मेंस स्टेज पे आए तो मेंस को कैसे कंसोलिडेट किया क्योंकि सिलेबस तो बहुत ह्यूज है और उन सारे कॉन्सेप्ट को डेप्थ में जाकर के सॉल्व करना पड़ता है जो पूछे जा सकते हैं सर मेंस के लिए बहुत सिंपल था प्रीवियस करना और मैं प्रीवियस ईयर करके सबसे इम्पोर्टेंट थिंग था वन थिंग कि मैं क्वेश्चन uh, लिखता था अच्छे हुँ, से हुँ, उसके बाद सॉल्यूशन लिखता था खुद से बना के जैसे मैं एग्जाम में करूंगा जो काम मुझे एग्ज़ाम में करने हैं वो काम मैं यहाँ पे करता था क्वेश्चन लिखता था और इससे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होता है कि आप जब रिवाइज करते हो चीज़ों को तो आपको पता होता है कि आप गलतियां कहाँ करते हो जैसे स्ट्रक्चरल एनालिसिस में मेरी गलती बहुत होती थी ऐसे एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ के मोमेंट ऑफ इनर्सिया आई टू आई देते हैं जैसे एक फ्रेम है हुँ. तो मिडिल uh, सेक्शन में आई दे रखे हैं और साइड uh, सेक्शन में टू आई दे रखे हैं तो मैं हर एक समय वो मिस्टेक कर देता था स्लोप मेथड में आई का या फिर मोमेंट एनालिसिस में आई का ध्यान रखना होता हाँ गलती करता था तो मैं जब रिवाइज करता था तो मुझे पता होता था मेरी गलतियाँ क्या है फिर मैं सब चीजों का शॉर्ट नोट्स बनाता था इंपॉर्टेंट चीज मतलब मुझे एग्जाम का एक ही चीज लगता है कि आप कितना अच्छे से रिविजन कर सकते हैं और कितना अच्छे से अपनी गलतियों को ध्यान रख सकते हो

तीनों टेस्ट में मेरे कंसिस्टेंटली सौ के अराउंड रैंक आए तो मुझे लगा कि मेरी प्रिपरेशन में तो कमी नहीं है क्योंकि नहीं। मैं पार्ट टेस्ट, अच्छा तो टेस्ट में भी अच्छा परफॉर्म किया हूँ तो मैं फुल टेस्ट में भी अच्छा कर सकता हूँ तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मैं पैनिक कर जाता था एग्ज़ाम में मुझे मेरा तरीका क्या था करने का कि ऐसा होता है फ़र्स्ट और फिफ्थ क्वेश्चन आपके कंपल्सरी होते हैं तो फर्स्ट मैं ऐसे करता था फर्स्ट फिफ्थ तो करनी ही है उसके बाद मैं सेलेक्ट करता था उसमें क्या होता था कि यदि आपके फर्स्ट क्वेश्चन में बहुत टाइम लग गया या फिर फिफ्थ क्वेश्चन uh, में बहुत सारे सवाल नहीं बने तो आप पैनिक कर जाते हो और टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है तो ये चीज़ मेरे को रियलाइज हुआ यही प्रॉब्लम है तो इस चीज़ को मैंने चेंज ऐसे किया लास्ट टाइम uh, मैंने uh, नमित जैन से बात किया था उसने बताया था वो पेपर ऐसे करता था कि पूरे फर्स्ट दस मिनट में वो डिसाइड कर लेता था कि करना कौन कौन से सवाल कौन है? कौन से सवाल करने और किस ऑर्डर में करने और ये मेरे को लगता है वन ऑफ द मोस्ट बेनिफिशियल था मेरे मेंस एग्जाम में राइट कि मैं जितने सवाल किया सही किया हाँ, रेंडमली अटेम्प्ट ना करें फर्स्ट प्रायरिटाइज सेलेक्ट कि विच ऑर द्वेश्चन यू वॉन्ट टू अटेम्प्ट एंड जस्ट फ्रे माइंड फ्रेम बना लीजिए कि दिस विल बी द order। ऑर्डर hmm. तो मैं डिसाइड कर लिया था इस बार के मेंस में ये चीज था कि आपके फिफ्थ क्वेश्चन में दो या तीन क्वेश्चन मेजर लोगों को नहीं आते थे तो मैंने डिसाइड कर लिया कि ये सवाल तो मुझे करने ही नहीं है और जो किया मेरे को लगता है कि मेरे सारे आंसर सही, सही बहुत थे बहुत एक्यूरेट थे और वही रीजन है कि आप देख लीजिए सर 100 रैंक मेरे टेस्ट में आ रहे हैं और कितने सारे कोचिंग हुँ। है हुँ।

Uh, मेरा फ्रेंड बोलता है कि एग्जाम में जो रिक्वायरमेंट है वही किया करो आप अपने प्रिपरेशन में तो इंटरव्यू में क्या है आपको बोलना है ठीक है आपको वहां पे जाके बातें करना है कितना तो वो चीज आपको करना है यहाँ पे तो मैं और मेरा फ्रेंड था हम दोनों कंसिस्टेंटली जो भी मेडीजी uh, का बुक है इंटरव्यू का वो क्वेश्चन और क्योंकि हमें थ्योरीज तो पता ही है सब कुछ है तो मुझे रिवीजन नहीं, नहीं करना है नहीं। हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन करते थे right. एक दूसरे से दस दस क्वेश्चन का सेट बना लिया और एक दूसरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और वो चीज आपके इंटरव्यू में झलकते हैं यदि आप खुद से फ्रेम करके आंसर बता रहे हो और इतना ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो प्लस मॉक इंटरव्यू तो मॉक इंटरव्यू का एक्सपीरियंस और रियल इंटरव्यू का जो यूपीएससी का एक्सपीरियंस सिमिलर था या डिफरेंट था मेरा तो एंटायरली डिफरेंट था जैसे मुझे मॉक में बोलते थे कि तुमसे डेफ से, से काफी पूछा जाएगा नहीं। नहीं। बट मेरे से वहां पे एक ही सवाल पूछे थे बट वन थिंग आई रियलाइज्ड कि मैटर ये करता है कि आप कितना अच्छे से बात कर पाते हो उन्हें मजा आया कि नहीं आपसे बात करके ये नहीं मैटर करता है कि आप कितना ज्यादा सही जैसे काफी लोगों का मैंने सुना है कि उनसे मतलब तो उनके काफी सवाल गलत हुए थे या फिर नहीं बता पाए थे लेकिन उनके मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं पिछले साल का बता रहा हूँ और इस बार मेरे भी ना मैं दो तीन ब्लंडर किया था वहां पे काफी ज्यादा फिर भी रैंक अच्छी आई तो इसका मतलब मार्क्स अच्छे ही मेरे डिसेंट सब में मार्क्स आए होंगे तो यही रीजन है कि आप उनसे अच्छे से बात कर रहे मेन तो यह है कि आप कॉन्फिडेंट हैं कि नहीं है और आंसर आपके सही है कि नहीं अगर नहीं आता तो फिर आप बोल दीजिए कि नहीं आता मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट प्लेस हो सकता है वहाँ पे पे इंटरव्यू देना क्योंकि काफ़ी बहुत ही मतलब फ्रेंडली टाइप का होता है जो चेयरमैन होते हैं इतना अच्छे से आपसे बात करते हैं आपको लगता है बहुत अच्छी जगह आए है हुए हैं और वो तो रहता ही है तो मेरे को तो बहुत आसान लगा इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म और वो एक मंदिर है और उस मंदिर में जाके एक बार माथा टेकने का अगर मौका मिलता है तो हम जीवन में धन्य हो जाते हैं तो दिस इज़ फैक्ट आ, मैं तीन बार यूपीएससी में इंजीनियरिंग सर्विसेज का इंटरव्यू देने गया और मेरा जो तीनों साल का तीनों बार का एक्सपीरियंस था वो मतलब ऐसा था कि लाइफ लॉन्ग के लिए परमानेंट बन गया तो ये था इनकी जो प्लानिंग रही और प्लानिंग के साथ साथ इन्होंने रवीर ने कैसे अपनी प्रिपरेशन की इन्होंने बताया प्रवीण वुड यू लाइक टू सजेस्ट एनीथिंग फ्रॉम योर साइड टू योर फ्रेंड्स एंड जूनियर्स कोई मैसेज देना चाहते हैं वन थिंग मैंने बता ही रखा है प्रिलिम्स और मेंस में एक ही चीज़ है कि आप कितना अच्छे से प्रीवियस ईयर सॉल्व करते हैं उसके शॉर्ट नोट्स कितने अच्छे से बनाते हैं क्योंकि एट द एंड मैटर यही करता है आप कितना भी पढ़ लो मैटर यही करता है कि आप शॉर्ट नोट्स कितने अच्छे से बनाए वही जाके आप प्रोड्यूस करते हो प्लस आप अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का कितना ध्यान रखते हो एक एग्जांपल देना चाहूँगा सर वीकनेस मेरा ये था कि मुझे अच्छे से याद नहीं होते थे थियोरेटिकल अच्छा। सवाल ठीक है मेरे मे डी में भी अच्छे नहीं होते थे थियोटिकल सवाल तो मैंने आ, सबसे अच्छा वन थिंग मैंने रियलाइज किया कि आप प्लानिंग कितने अच्छे से करते हो तो मैंने क्या किया कि लास्ट के पंद्रह दिन जो बचे हुए थे फुल टेस्ट होता था बट हम ध्यान रखते थे कि हम कितना अच्छे से रिविजन कर सकें तो हम लास्ट के पंद्रह दिन में एक एक दिन का और एक घंटे का हिसाब बनाया कि हमको कैसे रिविजन करना है तो इस इस बार बार जैसे सिविल में में के 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 शायद 40 या 60 के सवाल आए आए थे थे तो 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 मैंने ध्यान रखा कि के पिछले साल भी थे, तो इस बार भी, इस आएंगे। भी आएंगे तो मैं उसको लास्ट दिन पढ़ा लास्ट मतलब दो दिन पहले ताकि मेरे को याद याद रहे।, रहे और इनफैक्ट मैंने प्रडिक्ट भी किया था कि कौन कौन सकते क्वेश्चन और मैंने बहुत अच्छा आंसर लिखा है यूपीएससी और इंजीनियरिंग सर्विसेज में आप पुराने साल के पेपर्स को रीड करके काफ़ी कुछ आप एग्जामिनेशन के क्लोज पहुंच सकते हैं यस yes, सर ये एक ख़ास बात है और एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है कि अगर आप सही करके आओगे तो सही अच्छे मार्क्स ही मिलेंगे यस सर दिस इज गुड अबाउट दिस एग्जामिनेशन तो प्रवीण नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इंजीनियरिंग सर्विसेज तो आपका हो गया रैंक भी अच्छी आ गई आपको अपने चॉइस का डिपार्टमेंट भी मिल जाएगा तो क्या आप यहाँ रुकने वाले हो या अब आप आगे सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए जा रहे हो और उसमें फिर ऑप्शनल क्या रखोगे अगर आप प्रिपेयर करते हो सर uh, मैं प्रिपेयर करता हूँ तो सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शन रखूँगा ऑब्वियस है मैं अच्छे से पढ़ रखा हूँ मेरे नोट्स कंप्लीट हैं और मैं बता ही रखा हूँ कि शॉर्ट नोट्स कितने अच्छे से आपके बने हुए हैं वो भी मेरा कंप्लीट है तो मुझे मैक्सिमम पाँच से छः दिन लगेंगे मैं वापस से जैसे ही ई का एग्जाम दिया वैसे मैं बैठ सकता हूँ ऑप्शनल का ग्रेट तो ऑब्वियसली ऑप्शनल सिविल सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शनल से सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करोगे आप और आपने डिपार्टमेंट प्रेफरेंस में क्या चूज़ किया फर्स्ट रेलवे और रेलवे सुझाव जो दिए उनको एडॉप्ट करके आप अपनी मंजिल हासिल कर सकते हैं इंजीनियरिंग सर्विस इज डेफिनेटली प्रस्टिजियस प्लेस टू गो एंड टू वर्क फॉर दोसाइटी एंड दी ऑफ अवर्क तो आप दान करिए और आगे प्रवीण कुमार के ब्लॉग्स को फॉलो कर करके इनसे कोई सजेशन लेना चाहते लीजिए जैसा कि इन्होंने बताया कि ये हो सकता है कि अपने शॉर्ट नोट्स शेयर करेंगे आपके साथ आपको बेनिफिट मिलेगा उसका और अगर आपको मेडी जी से कोई हेल्प चाहिए वी आर ईगर टू हेल्प यू वी आर ईगर टू गाइड यू वी आर ईगर टू सपोर्ट यू एंड वी वी वुड लाइक टू बी सक्सेस पार्टनर फॉर यू और मैं मेरी कोशिश है कि आप अगर कोई भी किसी तरीके की मेडी जी से हेल्प चाहते हैं तो वी विल बी हैप्पी टू सपोर्ट Thank you.